सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब FIR हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो वकील थे तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द दो लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे, अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके माध्यम से कहाँ पे इंजर्ड, जब हम झगड़ा चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मेल्स थे। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है, तो वो तो कहानियाँ बनाने वाली बात है अपनी चीज़ को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के लिए काम कर रही है, अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है, तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पर जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भी दिल्ली पुलिस ही होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना, ठीक है आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं, हम भी हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहते, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसका उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को ही लेनी पड़ेगी, और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। देखिए अभिनेश ने बता दिया है वो कि भाई हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो वो जो हमारी लीगल टीम हमें, क्योंकि अभी 100 दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील था उन्होंने बताया कि भाई हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम 164 के बयान करवाएंगे। धरना जारी रहेगा? जी धरना जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बात वही है, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। इसमें आपने बोला है कि राजनीतिकरण ना हो, क्या आपको लगता है कि वाकई में पिछले 4-5 दिनों में आपके इस आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ है जिससे आपको नुकसान हो रहा है? देखिए राजनीति, मैंने पहले भी हमें यही बोला था कि आप समर्थन करिए यार, राजनीति मत करिए। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।